Hello and welcome to my channel. Today we are starting our second topic of partnership, which is change in profit sharing ratio. जो हमने फर्स्ट टॉपिक किया फंडामेंटल्स का इंट्रोडक्शन, इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स आपके टॉपिक में हैं, बस डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को छोड़ के, वो सभी आते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में. तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से पहले आपको पता होना चाहिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है. ठीक है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, मतलब जो पार्टनर्स की टर्म्स एंड कंडीशंस थी वो चेंज हो जाती है, तो उस केस में पुराना एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आ जाता है. तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, तो इसलिए ये जो चैप्टर अभी हम करेंगे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगी तो भी ओल्ड पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी और न्यू पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आएगी. एडमिशन होगा जब किसी पार्टनर का तो भी ओल्ड पार्टनरशिप खत्म, अब नया पार्टनर आया है, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी. इन केस ऑफ रिटायरमेंट भी ऐसा ही होगा, एक पार्टनर फर्म में से चला जाता है, इन केस ऑफ डेथ या इन केस ऑफ रिटायरमेंट कोई एक पार्टनर फर्म में से चला जाएगा तो भी पुरानी पार्टनरशिप खत्म, नई पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये सभी चैप्टर्स मीन्स जो आगे अभी अपना ये चैप्टर है और नेक्स्ट टू चैप्टर्स हैं वो आपके आएंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में. ठीक है, तो अब जब पार्टनरशिप फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तो उस केस में पार्टनर्स की जो भी एग्जिस्टिंग रेशियो थी वो चेंज हो जाएगी. राइट, वो चेंज होगी तो किसी ना किसी पार्टनर को पहले के कंपैरिजन में कम शेयर मिलेगा और किसी पार्टनर को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा शेयर मिलेगा. ठीक है, तो उससे हमें पता लगेगा किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया या गेन किया. तो पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तो टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, व्हेन द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स चेंजेस, जब पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट है उसकी टर्म्स चेंज हो जाती है तो एक नया एग्रीमेंट एग्जिस्टेंस में आता है, इट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, अब हमें करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो. जब रेशियो चेंज होगी तो अभी हमने क्या बोला, किसी पार्टनर को पहले के कंपेरिजन में कम मिलेगा तो किसी पार्टनर को पहले के कंपेरिजन में ज्यादा मिलेगा शेयर. ठीक है, तो अगर किसी पार्टनर को पहले के कंपैरिजन में कम शेयर मिल रहा है तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है. ठीक है, और अगर किसी पार्टनर को पहले के कंपैरिजन में ज्यादा शेयर मिलता है तो हम उस कंडीशन को क्या बोलेंगे कि वो पार्टनर गेन कर रहा है. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी, व्हेन वन और मोर पार्टनर्स सरेंडर देयर ओल्ड शेयर, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर अपना शेयर सरेंडर कर रहे हैं, अपना शेयर किसी और पार्टनर के फेवर में सरेंडर कर देते हैं तो इट इज कॉल्ड एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. ठीक है, एंड गेनिंग रेशियो इज व्हेन वन और मोर पार्टनर्स गेन्स सम पोर्शन ऑफ अदर पार्टनर्स, जब एक या एक से ज्यादा पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर या पार्टनर्स के शेयर को गेन करते हैं, मीन्स वो ले लेते हैं, तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, गेनिंग रेशियो. तो फाइंड आउट करने के लिए कोई अपने को फॉर्मूला क्रैम करने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, याद रखो हमें पहले के कंपैरिजन में ज्यादा मिल रहा है तो इट मीन्स हम गेन कर रहे हैं, और पहले के कंपैरिजन में कम मिल रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस. ठीक है, मीन्स अगर हमारी ओल्ड रेशियो ग्रेटर है न्यू रेशियो से तो हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस. तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या बनेगी, ओल्ड माइनस न्यू रेशियो. ठीक है, ओल्ड रेशियो अपनी ज्यादा है, न्यू रेशियो हमारी कम है, मींस जो ओल्ड माइनस न्यू करके अगर रिजल्ट अपना पॉजिटिव आता है तो वो क्या हुआ, अपना सेक्रीफाइसिंग रेशियो, उसी रेशियो में उस पर्सन ने सेक्रीफाइस किया. और गेनिंग रेशियो क्या होगी, जब न्यू रेशियो ज्यादा होगी ओल्ड से तो इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम गेन कर रहे हैं. तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, अगर ये चीज पॉजिटिव आ जाए तो इट मीन्स क्या हुआ, वो पार्टनर गेन कर रहा है. तो अब इसको एक एग्जांपल से ले लेते हैं, गेन और से,
sacrifice. Example is A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2 and they decide to share future profits in equal ratio. Find out the sacrifice or gain. ठीक है, A और B partner है, ratio है उनकी 3:2 की. Now they decided to share future profits equally in future. अब उन्होंने क्या decide किया कि future में जो उनकी ratio है वो 1:1 की होगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, A ने क्या किया, gain और sacrifice. तो हम क्या करेंगे, old minus new कर लो. Old ratio is 3:5 and new ratio is 1:2. ठीक है, तो इसके रेशो एलसीएम आ जाएगा 10 6 - 5 1/10. तो ए, अब ये वाले रेशो हमने क्या किया, ओल्ड माइनस न्यू, मीन्स हमारी ओल्ड रेशो ज्यादा थी, न्यू रेशो कम है, तो तभी तो इसका आंसर पॉजिटिव आया. पॉजिटिव आया तो इट मीन्स ए पर्सन जो है वो क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है. एंड बी पर्सन, बी में भी सेम ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशो इज 2:5 एंड न्यू इज 1:2. तो इसका रिजल्ट क्या है, 1/10, 4 - 5/10. तो 4 - 5 माइनस में आएगा ना, -1, मीन्स इसकी ओल्ड रेशियो जो है वो कम है और न्यू रेशियो ज्यादा है. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पार्टनर गेन कर रहा है. ठीक है, आज के टॉपिक में इतना ही. कल के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. ठीक है, तो तब तक बने रहिए हमारे साथ. Thank you.